वबरकू। आज हम बना रहे हैं कॉर्न के भजिए। तो इन सारे इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे। इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। मिर्ची है, नमक है, चाट मसाला और मेथी कॉर्न में, और थोड़ा थोड़ा हम ना चने का आटा डालते जाएंगे। इसमें पहले मसाला मिक्स कर देना और कॉर्न को ना हमें थोड़ा थोड़ा मिक्सर में एक एक बार ग्राइंड कर देना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो। हमने एक छोटा सी पीस डाल के देख लिया है कॉर्न का कि ये तेल गरम हो चुका है या नहीं। अभी हमें तेल फास्ट गैस पे रखना है। अब हम इनको एक एक करके डालते जाएंगे। तेल गरम हो गया है अगर तो इसमें बबल्स बनने लग जाएगी अगर तेल गरम। लगाएंगे जैसे ही ये थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसको पलटेंगे। ये देखो पक चुके हैं। पकौड़ों को जल्दी नहीं निकालना है, इनको ब्राउन होने में बहुत टाइम लगता है। अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ते टर्न करेंगे। देखो गो ब्राउन हो गया इसका, ये जब कलर आया ना तो ही हमें टर्न करना है वरना नहीं करना है। और हमें गैस को मीडियम या फास्ट पर ही रखना है। अगर स्लो पर करेंगे तो ये तेल में डिप हो जाएंगे। हमने सारे पकौड़ों को टर्न कर दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर रखेंगे मीडियम गैस पे, फिर ये आहिस्ते आहिस्ते ब्राउन होगा, फिर हमारे यम्मी और मज़ेदार पकौड़े तैयार। तो अब ये ब्राउन हो गया है, हम इसको निकाल रहे हैं। अब हम दूसरे डाल देंगे। इनको हमें एक छन्नी में निकाल देना है ताकि इसका जो जितना भी तेल है वो पूरा सोक हो जाए। ये देखो हमारे यम्मी और तोयजानो बच्चों, ये देखो हमारे यम्मी और मज़ेदार कॉर्न के पकोड़े रेडी है। और बस सॉस और एक कड़क चाय के साथ आप इंजॉय करें इसे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।